भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद शरीर में हर प्रकार के रोगों का इलाज जड़ी बूटी और प्राकृतिक उपचार के माध्यम से करने के लिए जानी जाती है। आज हम आपको 5 ऐसी आयुर्वेदिक ताकतवर जड़ी बूटियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सेवन से आपकी जीवन शक्ति में सुधार आएगा। लोकल एडीन से बातचीत में आयुर्वेदिक वैद्य राजेश कहते हैं कि जंगलों में मिलने वाली इन जड़ी बूटियों में शारीरिक क्षमता बढ़ाने व किसी भी प्रकार के रोग को दूर करने की ताकत होती है। अश्वगंधा, पहाड़ी इमली, विदारी कंद, बड़े गोखरू, कोंच का बीज, ये वो 5 जड़ी बूटी हैं जो आपके शरीर में बेहद ताकत, थकान जैसी समस्या को दूर करती हैं। इनमें हर जड़ी बूटी अपने विशेष गुणों के लिए जानी जाती है। अश्वगंधा का मुख्य इस्तेमाल थकान मिटाने और यौन शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्टैमिना बढ़ाने वाली कई आयुर्वेदिक दवाओं में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ी इमली पुरुषों में लो स्पर्म काउंट की समस्या को खत्म करती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी होते हैं जो संक्रमण को दूर करते हैं। बड़े गोखरू सिर दर्द में राहत, दमा से निजात, पेशाब संबंधी दिक्कतों को दूर करता है। बड़े गोखरू खाने से गर्भाशय और यूट्रस के दर्द में भी आराम मिलता है। जी, मेरा नाम राजेश सिंह है जी, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। तो ये मर्दाना शक्ति के लिए, ये इस जड़ी बूटी का नाम है अश्वगंधा और इस जड़ी बूटी का नाम है कोच का बीज, इस जड़ी बूटी का नाम है पहाड़ी इमली, इस जड़ी बूटी का नाम है बिधारी कंद, इस जड़ी बूटी का नाम है बड़े गोखरू। इन 5 चीज़ों का अगर मिश्रण बना के हम अपने तरीके से देते हैं, इसको अगर महीना दो महीना अगर कोई इंसान, अच्छा भी इंसान अगर खा ले तो कभी उसे नामर्दी की शिकायत नहीं आएगी, कमर में जोड़ों में कभी उसे दर्द नहीं रहेगा। अच्छा इंसान भी अगर इसे खाएगा, और अगर कोई रोगी है अगर उसे खा ले दुबला पतला इंसान तो वो भी मोटा ताज़ा बन जाएगा। इसको जो इंसान सेवन करेगा कभी थकावट कमजोरी नहीं आएगी उसे, कितना भी मेहनत से मेहनत का काम करेगा कमजोरी नहीं आएगी उसे, कभी किसी चीज़ में मतलब वो हार नहीं मानेगा, वो चीज़ ऐसी है। तो ये तो हमारा खानदानी काम है, हमारे दादा परदादा यही काम करते थे। ये अश्वगंधा देखो पहाड़ों में मिलते हैं ये चीज़, तो ये एक पौधा होता है, इसकी जड़ होती है ये, तो इसे अगर कोई सिंगल भी अगर इसे खा ले तो इसको खाने से कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, बीपी की शिकायत ख़त्म करेगा ये चीज़, वो है हमेशा आदमी तरोताज़ा बना रहेगा, वो चीज़ ये है, सांस नहीं फूलेगा इसको खाने से, बीपी की शिकायत नहीं होगी। यह है कोच का बीज, अगर इसे कुछ दिन अगर इंसान इसे खा ले सिंगल भी तो भी शरीर में बॉडी में ताकत बनी रहेगी, जोड़ों में घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा, ये चीज़ वो है।